खीर बनाने के लिए मैंने लिया है दूध और बासमती चावल। ये बासमती का टूटा हुआ चावल है, वन चावल का जैसे 1/3 हिस्सा वो चावल है। आप चाहो तो दूसरे चावल भी ले सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छी खीर बनती है। इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को हाई फ्लेम पे ऑन कर देंगे और कढ़ाई में मैंने पानी डाला है और अब हम इसमें दूध डाल देंगे। अब हम इसको हिलाएंगे। और गैस दूध को हम एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। हम इसमें सूखा दूध डालेंगे, ये मैंने एक कटोरी सूखा दूध लिया है और इसको 2 गिलास पानी लिया मैंने, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसमें। सूखा दूध डालने से खीर बहुत ही गाढ़ी और अच्छी बनती है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। हमारा दूध मिक्स हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये जो साइड पे मलाई लग जाती है इसको भी हम साथ साथ उतारते रहेंगे। अब हम इस दूध को, सूखे दूध को छान कर डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे। दूध को एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। और बीच बीच हिलाते रहेंगे। इतनी देर दूध को उबाल आएगा तो हम अपने चावल धो लेंगे और फिर इसमें डालेंगे। चावल डालने के बाद अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और जो साइड पे दूध लगा हुआ है वो भी हम इसके साथ हिलाकर निकाल देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर ही पकने देंगे। और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि हमारी खीर जो है नीचे ना लगे। अब दूध में केसरी रंग लाने के लिए आप इसमें केसर डाल सकते हो, लेकिन मैं केसर की जगह आज इसमें हल्दी डालूंगी। एक कटोरी में दूध लेकर उसमें 2 पिंच हल्दी के मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको खीर में मिक्स कर देंगे। हल्दी मिक्स हो चुकी है, अब हम इस दूध को खीर में डालेंगे। ये जो साइड पे मलाई लगी हुई है दूध की वो हम साथ साथ उतारते रहेंगे और अब हम इसमें हल्दी को मिक्स कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ जाता है और हल्दी का बिल्कुल भी टेस्ट पता नहीं चलता। हम खीर को तब तक पकाएंगे जब तक चावल और दूध मिक्स नहीं हो जाते और साथ साथ हिलाते रहेंगे और गैस को स्लो ही रखेंगे ताकि दूध हमारा नीचे ना लगे, क्योंकि अगर दूध नीचे लग जाएगा तो उसमें स्मेल आएगी।
देखिए अब चावल पकने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी ले सकते हैं। अगर आपको मीठा तेज खाना पसंद है तो आप इसमें और चीनी डाल सकते हो। चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिलाएंगे और अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ लिया है बादाम, काजू और अखरोट। डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब खीर बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसको जैसा भी ठंडी या गर्म जैसा भी खाना चाहते हैं वैसे इसको सर्व कीजिए।